दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कपिल भाई है। आज मैं आप सभी के लिए ब्लॉगर से एक वेबसाइट को बनाकर और उसमें अर्निंग करने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। आप आज ही अपनी वेबसाइट को बना पाएंगे और आज ही तत्काल मोनेटाइज भी कर पाएंगे। यहां पर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं होगा कि आप जो है कितनी पोस्ट डालेंगे तब मोनेटाइज होगा, क्योंकि मैं आपको मोनेटाइजेशन के लिए एक अलग टूल बताने वाला हूँ जो आपको तुरंत वेबसाइट बनाते ही मोनेटाइज भी कर देता है। यहाँ पर अब आप लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि भाई हम आपके तरीके से वेबसाइट बना लेंगे, पोस्ट लिख लेंगे, मोनेटाइज कर लेंगे, लेकिन उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा तो फिर अर्निंग कैसे होगी। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मैं कहां से ट्रैफिक लेके आता हूं वो भी तरीका आपको पूरा बताने वाले हैं। और साथ में मैं आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की वेबसाइटें बनाकर पैसे कमा रहा हूँ और यहाँ पर कितने व्यूज़ पर, कितने इंप्रेशन पर आपको कितना पैसा मिलता है, सारा कुछ प्रोसेस एक ही वीडियो में है। तो यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं। देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए क्या होता है, लोग आपको बताते हैं कि वर्डप्रेस से बनाइए और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फ्री में बताने वाला हूँ। तो आप गूगल का ब्लॉगर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये ब्लॉगर है, इसको आप गूगल पर लिखेंगे ब्लॉगर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से बता रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखना है। जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे ब्लॉगर, तो ब्लॉगर इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको इसमें एक साइन इन का ऑप्शन मिलता है, इस साइन इन बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में जितने भी जीमेल लॉगिन होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। फिर इनमें से आपको क्या करना है, एक किसी जीमेल पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों मेरा ऑलरेडी इस जीमेल से कई सारे वेबसाइट बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो थ्री डॉट का बटन आता है इसके पास में आपको मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ नया ब्लॉग या फिर न्यू ब्लॉग लिखा होगा, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टाइटल लिखने के लिए आएगा कि आपका जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, वो किस टॉपिक का होना चाहिए, क्या टाइटल है उसका, तो वो आप लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर अर्न मनी, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने सैंपल के लिए डाल दिया है, आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद अगले पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे, और यहाँ पर आपको इसका एड्रेस लिखना है, मतलब पूरा URL आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अर्न मनी ऑनलाइन, जैसे मैंने डाल दिया तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि इस नाम की वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे मैंने 2024 लिख दिया तो यहाँ पर भी इस नाम से बनी हुई है। अगर मैं 2025 कर देता हूँ तो यहाँ पर भी बनी हुई है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ और कुछ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक यूनिक URL बनाना होगा जो ऑलरेडी ना बना हो। तो यहाँ पर मैंने एक अपना URL बना लिया है और ये आगे लिखा है .blogspot.com, मतलब आपकी वेबसाइट जब भी कोई ओपन करेगा तो सबसे ऊपर इस तरीके का URL बन के आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ब्लॉग देखें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है, चेंजेस करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ ब्लॉगर पर फिर से जाना होगा और इसी तरीके से अपने वेबसाइट में कस्टमाइजेशन करना है। कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको थीम के अंदर जाना होगा, और थीम के अंदर आने के बाद में आपको बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह की आपकी वेबसाइट दिखने लगेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इस तरीके का ये वाला टेम्पलेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। चलिए, मैंने ये वाला टेम्पलेट किया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो टेम्पलेट है ये मेरी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगा और मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। अब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा टेम्पलेट अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट का टेम्पलेट अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक पोस्ट लिखनी है जिससे हमारी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी हम उसको मोनेटाइज करेंगे। अभी हम आपको मोनेटाइज करना भी बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या बता दें कि जैसे कि यहाँ पर अगर आपको बहुत सारी थीम्स हैं, अगर इनमें दिखाई कोई पसंद नहीं आती है, तो आप गूगल से कोई भी फ्री ब्लॉगर की थीम को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करने के बाद में अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से वेबसाइट जब आपकी बन जाए तो आपको इसमें पोस्ट लिखना है। तो पोस्ट लिखने के लिए आपको बराबर में पोस्ट का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का टाइटल डालना है और यहाँ पर आपको पोस्ट लिखना है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक पोस्ट टाइप का यहाँ पर कॉपी कर दिया है। आप जो है पूरा यहाँ पर अपना लिख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी का आपका वेबसाइट है, जो भी आप पोस्ट डालना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया एक सैंपल के लिए। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये लेबल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप इसका जो लेबल है उसको आप डाल सकते हैं, मतलब एक फोल्डर टाइप का बन जाएगा, आपकी जो भी और पोस्ट होंगी वो उसमें आ जाएंगी, अर्न मनी ऑनलाइन।
इससे क्या होता है कि जब भी हमारी वेबसाइट को कोई ओपन करता है तो यहाँ पर अर्न मनी ऑनलाइन की अगर वो पोस्ट देखता है तो उसको हमारे अर्न मनी ऑनलाइन फोल्डर के अंदर जितनी सारी पोस्ट होती हैं वो उसको सजेस्ट की जाती हैं। तो इसलिए हमें लेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है अपने ब्लॉगर के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक लिंक बनाने का ऑप्शन आता है जो कि हमारे सर्च मतलब जो है पोस्ट को सर्च में रैंक कराने के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ ऑटोमेटिक हमारा लिंक बन चुका है, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर लिंक भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ऑटोमेटिक वाला ही सेट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप इसमें कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बार एंटर करना होता है पोस्ट में, और जहाँ पर भी आपको इमेज लगानी है, फ़ोटो लगाना है, तो ऊपर आपको एक फ़ोटो लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कंप्यूटर पर अपलोड करें पर जाएंगे, और यहाँ से आप ब्राउज पर जाएंगे, और यहाँ से आप ए टू जेड कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक सैम्पल के लिए एक फ़ोटो लगा लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो एक ऐड कर दिया है, अब इस फोटो का साइज हमें बड़ा करना है तो यहाँ पर हमें एक साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब इस पोस्ट को हम सेव कर देते हैं। चलिए हमने सेव कर दिया है, मैंने एक सैम्पल की पोस्ट बनाकर इसको सेव कर दिया है। आप इस तरीके से यहाँ पर और भी अपनी नई नई पोस्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये पोस्ट हमारी वेबसाइट पर शो हो गई या फिर नहीं हो गई, तो हम चलते हैं वेबसाइट पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी जो पोस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो थंबनेल आ रहा है पोस्ट का, ऊपर का जो कवर होता है, यही हमारे लिए व्यूज़ लेके आता है। तो इसको आपको चेंज कैसे करना होता है, वहीं वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी पोस्ट पर जाएंगे, इसको एडिट करेंगे। जैसे कि ये वाला फ़ोटो हमारा आ रहा है तो हम इस फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने इस फ़ोटो को डिलीट कर दिया है और इसको अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमने जो भी फ़ोटो लगाया था वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से हमारे और भी पोस्ट होंगे वो इसी वेबसाइट पर नीचे शो करेंगे। अब इसको चलिए हम मोनेटाइज करना आपको बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट को मोनेटाइज करने के कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग गूगल एडसेंस को जानते हैं। तो यहाँ पर गूगल एडसेंस से अगर आप वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी पॉलिसी का सामना करना होता है। यहाँ पर मैं आपको गूगल एडसेंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक और थर्ड पार्टी नेटवर्क है जो कि वेबसाइट को मोनेटाइज करता है और आपको बहुत ज़्यादा कमाई देता है, बहुत ज़्यादा पैसे देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एडस्टारर नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूँ। जो एडस्टारर नेटवर्क है ये भी गूगल एडसेंस की तरह काम करता है, आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज करता है। यहाँ पर आपको सिंपली बस एक अकाउंट बनाना होता है। तो दोस्तों अब आप जैसे ही इस एडस्टारर नेटवर्क में आते हैं अपना अकाउंट बना लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, वहाँ से जाकर इस पर अकाउंट बनाइएगा और उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। ऊपर आप अर्निंग हमारी देख सकते हो, $42 हो चुकी है, और जो कि मैं इसमें एक विड्रॉ भी ले चुका हूं, उसके बाद ये $42 हुआ है। जो हमारा विड्रॉ आया था वो $54 का आया था और अब यहाँ पर $42 फिर से हो चुका है। यहाँ पर विड्रॉल का प्रोसेस बहुत ही इजी है, यहाँ पर ये बहुत ही जल्दी विड्रॉ आपको दे देते हैं। $5 आपके हो जाते हैं तब भी आप इसमें विड्रॉ ले सकते हैं, जबकि गूगल एडसेंस में ऐसा नहीं है। गूगल एडसेंस में आपको $100 करने होते हैं तभी जाके आप विड्रॉ ले पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैंने $50 पे सेट कर रखा है, जब मेरा $50 हो जाता है तो विड्रॉ आ जाता है। ये विड्रॉ आपका बैंक अकाउंट में रिसीव होता है जब अगर आप $50 पे लेते हैं। अगर आप $5 पे विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आपको कई सारे और प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिनमें आप विड्रॉ लेंगे। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने कई सारी वेबसाइट ऐड कर रखी हैं। अपनी वेबसाइट को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना होता है और आप यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट डालनी होती है। अब वेबसाइट हमारी कौन सी है, यहाँ पर मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई थी, तो इसका जो URL होता है, जो लिंक होता है, इसको हमें कॉपी करना है। जैसे हम इस लिंक को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में हम इस एडस्टारर नेटवर्क के अंदर आने के बाद इसको डाल देते हैं और यहाँ पर अपनी वेबसाइट की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसकी कैटेगरी है सोशल, तो मैंने सोशल डाल दिया है। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को जो मोनेटाइज करेंगे उस पर किस तरीके के ऐड शो होने चाहिए तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बैनर ऐड चाहिए तो बैनर ऐड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बैनर ऐड सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैनर लेने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये एड्स पर क्लिक कर देना है, जितने सारे ऐड आ रहे हैं सारे टिक कर दीजिए और आपको बस ऐड पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, हमारी वेबसाइट अप्रूवल के लिए जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक मिनट से कम टाइम के अंदर हमारी वेबसाइट मोनेटाइज हो चुकी है, यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। जब अप्रूव हो जाएगी तो इस तरीके से आपको एक ऐड यूनिट मिल जाता है। ऐड यूनिट लिख के आ रहा है, इस पर हमें डबल टैप करना है
डबल टैप जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक गेट कोड का ऑप्शन मिलता है। बाद आपको जो ऐड कोड मिलता है, इस ऐड कोड को हमें सिंपल कॉपी करना है। जैसे ये ऐड कोड कॉपी हो जाए, बस इसको हमें अपनी वेबसाइट पर ऐड करना है और हमारी वेबसाइट पर ऐड आना शुरू हो जाएंगे। ये हमें ऐड कोड मिल ही गया, तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों, अब आपको जहां पर भी ये चेंजेस करना है दोस्तों, ये बैनर ऐड हमें अपनी वेबसाइट पर कहां पर लगाना है, उसके लिए आपको लेआउट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लेआउट पर जाते हैं तो यहां पर आने के बाद दोस्तों, आपके लिए इस तरीके से ये साइड बार के अंदर मिल जाता है गैजेट जोड़ें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एक HTML का कोड मिलता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सामग्री मतलब कंटेंट के अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना है और ऊपर आपको लिख देना है ऐड। जैसे ही लिखते हैं और आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हैं, इस तरीके से ये सेव हो जाता है और फिर आपको एक नीचे भी सेव का बटन मिलता है, इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर फिर से जाना है और रिफ़्रेश करके आपको देखना है कि ऐड शो हुआ या फिर नहीं हुआ। चलिए हम इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये ऐड आ चुका है साइड में और यहाँ पर ऐड शो हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि हमारी वेबसाइट पर ऐड आना शुरू हो चुके हैं, हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से मोनेटाइज हो चुकी है। अभी हमने वेबसाइट बनाई थी, अभी हमने सब कुछ किया था और अभी हमारी वेबसाइट मोनेटाइज भी हो गई। इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं बिना किसी क्राइटेरिया के। जब ये वेबसाइट का लिंक आप किसी को सेंड करते हैं तो ये वेबसाइट पर कोई लोग विजिट करते हैं तो बस आपको पैसा मिलता है। अब आपको बता दें कितने विजिट पर कितना पैसा मिलता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा देता हूं। जैसे मैं स्टैटिक के अंदर चलता जाता हूं, यहां पर दोस्तों आप लोग देखिएगा मेरा जो अर्निंग है यहां पर कितना कितना हो रहा है। ये देखिए, 963 व्यूज का हमें यहां पर $2.5 मिला है, $2.5 963 व्यूज का, जो कि आपको कोई भी नहीं देता है, YouTube भी नहीं देता है। 963 व्यूज का $2.5, और यहां पर आप देखेंगे 341 व्यूज का, यहां पर देखिए $0.5 से ज्यादा है, लगभग $1 के समथिंग है। यहां पर इस तरीके से बहुत ही हाई अर्निंग होती है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, बस अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखनी है और उन पर ट्रैफिक लाना है। अब देखिए, ट्रैफिक लाने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। मैं अपनी वेबसाइट पर कहां से ट्रैफिक लेके आता हूं, मैंने अपनी वेबसाइट को अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड बना रखा है और बहुत सारे मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, उनमें अपनी लिंक अपनी पोस्ट है उसको शेयर करता रहता हूं, वहां से ट्रैफिक आता रहता है। साथ में मैं यूट्यूबर हूं, तो यहां से क्या है कि मैं अपनी वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, तो वहां से भी मैं ट्रैफिक को अपने चैनल वेबसाइट पर भेज देता हूं। जैसे कि मैं यहां पर एक वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट की थीम आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे। आपको भी कुछ ऐसे यूनिक मेथड लगाने होंगे, जैसे कि आपने किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाया है तो उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट अपने वेबसाइट पर भी डालो और उसके बाद आप अपने रील शॉर्ट्स जो भी हैं अपलोड करो और उनमें बोलो कि ऐसे ऐसे आपको ये चीज हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में है, तो लोग वहां से रिडायरेक्ट होते हैं। अगर आपका एक भी वीडियो वायरल हो गया ना, तो फिर समझ लो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक आएगा। और ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बहुत सारे हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएंगे और अर्न मनी के तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं अर्न मनी से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं, तो उस पर बहुत सारा व्यूज़ भी आता है और मुझे अर्निंग होती रहती है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वेबसाइट कस्टमाइजेशन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अब ये वेबसाइट बन गई, मोनेटाइज हो गई, हम इसमें पोस्ट लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये दिखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो दिखने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा कि अपनी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करना होता है। तो वेबसाइट कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, जैसे कि मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा दूं मैंने किस तरीके से कस्टमाइजेशन किया है, कितने अच्छे तरीके से ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। ये भी ब्लॉगर से बनी है, blogspot.com है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां मैंने अपना यूट्यूब चैनल का वीडियो भी लगा रखा है, यहां पर पोस्ट भी लिख रखी है बहुत सारी और इनको आप लोग मैनेज कर सकते हो। यहां मेरा फेसबुक पेज भी आ रहा है, यहां पर ये कैटेगरीज भी आ रही हैं, मतलब यहां पर आप एक पोस्ट हमारी ओपन करेंगे कोई भी तो यहां पर आपको हमारी और भी पोस्ट दिखेंगी और हमारे इस पर ऐड भी आ रहे हैं, मोनेटाइज भी है। ये कस्टमाइजेशन होता है। अगर आप भी इस तरीके से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो बस हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कस्टमाइजेशन वीडियो अपलोड करो, तो बस मैं आपके लिए एक कस्टमाइजेशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। शायद उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आप फ्री में अपनी वेबसाइट को बनाकर थोड़ी सी टाइपिंग करके और अपनी वेबसाइट को आज ही मोनेटाइज करके उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं आप सभी को कंटेंट बनाने में।